गुड मॉर्निंग देवभूमि, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से कसार देवी मंदिर की तरफ, जो अल्मोड़ा से तुम्हारे 7 या 8 किलोमीटर दूर। और उस मंदिर की बात करें तो वहाँ की लोकेशन की बात करें, अपनी लोकेशन के लिए पूरे अल्मोड़ा में जाना जाता है। अल्मोड़ा की बेस्ट टूरिस्ट लोकेशन में से एक अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर है। और वो मंदिर अल्मोड़ा में ही नहीं बल्कि बाहर के टूरिस्टों के लिए मेडिटेशन और वैन एलिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में वैन एलियन बेल्ट पाई जाती है। अगर आप उसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, उस मंदिर के जो वैन एलियन बेल्ट है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या होती है, कैसे होता है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे चैनल पर जाके भी चेक कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अब ब्लॉग का मजा लीजिए, राइड का मजा लीजिए, और आपको लोकेशन दिखाएंगे और उस मंदिर के बारे में बताएंगे। सो गाइस, मिलते हैं आपसे कसार देवी मंदिर में। एक छोटे से सफ़र के बाद हम आ पहुँचे हैं कसार देवी। जो रोड नीचे को जा रही है ये गई ताकुला बागेश्वर को, और हम चले कसार देवी। के छोटे से ट्रक के बाद हम आ पहुंचे हैं कसार गांव में स्थित कसार देवी मंदिर में। चलिए चलते हैं। मंदिर की बात करें तो ये स्थान पर जो माता कात्यायनी ने अपना अवतार लिया था और 2 राक्षस सुंभो निसुम का वध किया था, और उसके बाद ये जगह जब फेमस हुई वो भी 1890 में, जब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए और उन्होंने यहाँ पर अध्यात्म प्राप्त किया और बताया लोगों को कि ये जगह अध्यात्म के लिए काफ़ी लोकप्रिय है, तब से ये जगह फेमस हुई है। चलिए अब हम चलते हैं शिव मंदिर की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं आधुनिक मंदिर में। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर है, ये देखिए सर किस तरीके, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे बनाया गया है।
आपको एक बार पूरा 360 व्यू में आपको कसारदी मंदिर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पीछे ये आधुनिक मंदिर है। इस तरह से अगर घूमें तो आप पीछे प्राचीन मंदिर देख सकते हैं आप कसारदी देवी का, और ये पीछे पूरा अल्मोड़ा से है। इतना सुंदर यहाँ से नज़ारा पूरे कसारदी देवी का है, या फिर पीछे देख सकते हैं। और काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ का, हल्की हल्की धूप निकली हुई है। अगर टाइम की बात करें तो 3 बज रहा है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे कितना सुंदर अल्मोड़ा शहर दिख रहा है। और इस तरह प्राचीन मंदिर और ये आधुनिक मंदिर जो बनाया गया है।